हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम दिखाएंगे स्वप्रमाणित घोषणा पत्र कैसे आप सभी जो कि बनाएंगे। जैसे कि आप सभी जो कि आय जात निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करते हैं, जैसे ही अपना जो कि फॉर्म भरते हैं तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के ऑप्शन में यहाँ पे स्वप्रमाणित घोषणा पत्र अपलोड करने का ऑप्शन रहता है। तो कैसे आप अपना स्वप्रमाणित घोषणा पत्र जो कि बनाएंगे, क्या स्व घोषणा प्रमाणित पत्र में आप सभी जो कि भरेंगे, तो चलिए इस वीडियो में जान लेते हैं। अगर दोस्तों आप सभी जो कि अपना आय जात निवास जो कि बनाना चाहते हैं घर बैठे ऑनलाइन, तो इस पर मैंने जो कि वीडियो बनाकर अपने चैनल पे अपलोड कर दिए, जो वीडियो का लिंक जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को आप सभी जो कि देखकर आप सभी जो कि आय जात निवास प्रमाण पत्र अपना जो कि घर बैठे आप सभी जो कि बना पाएंगे। तो चलिए यहाँ पर जानते हैं स्वप्रमाणित घोषणा पत्र में क्या आप सभी जो कि भरेंगे, किस तरह से अपना स्वप्रमाणित घोषणा पत्र आप सभी जो कि बनाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे स्वप्रमाणित घोषणा पत्र कैसे आप सभी जो कि बनाएंगे। तो इस वीडियो में कंप्लीट मैं दिखाने वाला हूँ कि स्वप्रमाणित घोषणा पत्र में क्या आप सभी जो कि भरेंगे। जैसे कि आय जात निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो वहाँ पे अपलोड करने के ऑप्शन में जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं तो इसमें जो कि स्वप्रमाणित घोषणा पत्र जो कि अपलोड करने का ऑप्शन आता है। स्वप्रमाणित घोषणा पत्र अपलोड करेंगे तभी आपका जो कि आय जात निवास जो कि बनेगा। तो भरने के लिए ऊपर आप देख रहे हैं प्रमाण पत्र बनवाने का कारण, किस कारण आप सभी जो कि आय जात निवास जो कि बना रहे हैं, किस काम के लिए, वह काम जो कि यहाँ पे जो कि लिखेंगे। इस तरह से आप जो कि लिख लेंगे यहाँ पे प्रमाण पत्र बनवाने का कारण, यहाँ पर जो कि कारण लिख लेंगे। और यहाँ पे आधार नंबर आवेदक का जो कि लिखेंगे, जो भी आवेदक है, अगर जो आप खुद बना रहे हैं अपना तो अपना आधार नंबर लिखेंगे यहाँ पर, आवेदक का आधार नंबर यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर देखिए जो कि आवेदक का नाम यहाँ पर लिखेंगे, जैसे कि जिनका भी आप जो कि बना रहे हैं या खुद अपना बना रहे हैं तो यहाँ पर आवेदक का नाम जो कि लिखेंगे। और उसके बाद जो कि यहाँ पर नाम लिखने के बाद जो कि यहाँ पर आएंगे, जैसे कि यहाँ पर आप देख लें पिता या पति, जो भी आवेदक का जो कि पिता या पति का नाम जो लिखेंगे, यहाँ पर उनके माता का नाम जो कि लिखेंगे यहाँ पर आप सभी देख लें। उसके बाद जो कि जन्मतिथि, तो देखिए जो कि यहाँ पे आप सभी जो कि माता का नाम लिख लेंगे, यहाँ पे जन्मतिथि जो कि देख रहे हैं यहाँ पे जन्मतिथि जो कि लिखेंगे कंप्लीट। यहाँ पे व्यवसाय, क्या काम करते हैं व्यवसाय, यहाँ पे जन्म स्थान, कहाँ पे जन्म हुआ है उनका, यहाँ पे जन्म स्थान जो कि भरेंगे इस तरह से। और यहाँ पे देखिए जो कि जैसे कि जाति, जाति में उपजाति, और यहाँ पे जो कि जो भी उपजाति है यहाँ पे जो कि भरेंगे इस तरह से। और यहाँ पे देखिए जो कि निवास, तो यहाँ पे निवास के यानी कि कंप्लीट एड्रेस जो कि भरेंगे, कहाँ पे निवास है, यहाँ पे थाना, और यहाँ पे उनका तहसील, यहाँ पे जिला, तो यहाँ पे अपना जिला जो कि भरेंगे। उसके बाद जो कि स्थान, कहाँ से आप जो कि आय जात निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं तो अपने जिला का नाम लिख लेंगे या जहाँ से भी करें। यहाँ पे तारीख, किस तारीख को आप जो कि आय जात निवास के लिए ऑनलाइन आवेदन करें या स्वप्रमाणित घोषणा पत्र जो कि बना रहे हैं। इसके बाद जो कि आवेदक का हस्ताक्षर, यहाँ पे हस्ताक्षर रहेगा यहाँ पे आप सभी जो कि देख रहे हैं। और नीचे जो कि मोबाइल नंबर जो कि आवेदक का, जो भी आवेदक हैं उनका मोबाइल नंबर जो कि रहेगा, तो यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर आएगा। तो इस तरह से आप सभी जो कि स्वप्रमाणित घोषणा पत्र आप सभी जो कि बना लेंगे। बनाने के बाद जो कि यहाँ पे जैसे कंप्लीट जो कि आपका बन जाएगा, यहाँ पर भर लेंगे तो यह आपका स्वप्रमाणित घोषणा पत्र जो कि बनकर तैयार हो जाएगा। तो आप सभी जो कि आय जात निवास प्रमाण पत्र में अपलोड कर सकते हैं इसको। दोस्तों, इस फॉर्म का पीडीएफ जो है कि नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, वहाँ से आप सभी जो कि डाउनलोड कर लेंगे। तो इस फॉर्म को आप सभी जो कि नीचे जो कि मैंने लिंक दे दिए हैं वहाँ से आप सभी जो कि डाउनलोड कर सकते हैं, तो डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद जो कि आप अपना कंप्लीट डिटेल यहाँ पर जो कि भरेंगे, यहाँ पर जो कि भरने के बाद जो कि यह स्वप्रमाणित घोषणा पत्र जो कि आपका बनकर तैयार हो जाएगा और अपने आय जात निवास में आप सभी जो कि अपलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आप सभी को पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन है, उस पर क्लिक करके ऑल को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसा वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल पाए। चलिए दोस्तों, अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।